ये यहाँ स्पष्ट कर लें, क्योंकि इस गाथा में चार लोगों को दुश्मन बताया गया है, चार लोगों को ये बताया गया है कि ये चार लोगों से खतरा रहता है। धम्मपद गाथा कथा 104 और 105, 104 एंड 105। ये जो गाथा और कथा है इसमें एक अनर्थ पूछने वाले की कथा है। अनर्थ का मतलब है बुरा पूछने वाला, यानी जिसका अर्थ ना हो, जो बुराई हो उसको पूछने वाला एक आता है, इसको अनर्थ पृच्छक बोलते हैं। जो पूछता है भगवान से आके कि आप हमेशा अच्छा अच्छा बताते हैं, क्या अनर्थ के बारे में जानता है, हानि के बारे में जानते हैं, नुकसान के बारे में जानते हैं कि कौन से नुकसान की चीज है, कौन सी हानि की चीज है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, मैं वो पूछना आपसे चाहता हूं, उसके लिए मैं निवेदन करता हूं। भगवान बुद्ध उसका आंसर देते हैं, जवाब बताते हैं कथा में। पहले आप गाथा सुन लीजिए, फिर मैं कथा सुनाता हूं। ये दोनों जो गाथाएं हैं 104 और 105 दोनों एक साथ आती हैं। ये अत्ता हवे जितंग सेव या चे आयंग इतरा पजा अत्त दंतस्य पोषस्य निच्चंग सय्यत चारियो। अत्ता हवे जितंग सेव का मतलब है, अत्ता माने खुद और हवे माने निश्चित, जितंग माने जो जीत ले, जीत को, और सेव माने श्रेष्ठ, यानी कि अपने आप को जीतना वास्तव में श्रेष्ठ है। या चे आयंग इतरा पजा मतलब वा, यानी इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रजा को जीतता है तो, जो दूसरी प्रजा है अगर उसकी अपेक्षा करत उसको जीतता है, यानी किसी प्रजा को या लोगों को जीतने की अपेक्षा करत अपने आप को जीतना ज्यादा श्रेष्ठ है। अत्त दंतस्य पोषस्य, अंत अत्त दत्तस्य का मतलब है अत्त माने स्वयं हो गया और दंत माने दमन और शांत करना हो गया के लिए, यानी अपने लिए दमन करना, शांत करना। पोषस्य, पोषस्य का मतलब है पोषक के लिए, यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना अच्छा है, यानी जो हम पोषक पदार्थ खाते हैं इस तरह से ग्रहण करना अच्छा है। निच्चंग संयत चारियो, निच्चंग माने नित्य होता है, संयत होता है ऐसा चारिका करने वाला, ऐसा पुरुष वास्तव में संयत होता है और नियत होता है, अच्छा होता है। इसके क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं, दूसरी है नेव देवो ने गंधवो ने मारो सह वमणा। नेव देवो चे गंधवो का मतलब है ने एव, यानी ने ही तो उसको देव पराजित कर सकता है, ने ही गंधर्व, ने ही उसको वामण, वामण का मतलब है जो बाहर से आए हुए वमण लोग हैं, क्योंकि भारत के लोगों को तो समण बोलते हैं। यहाँ ये जो शब्द है वमणा भी बोला जाता है, वमण भी है, और इसको बही मणा भी बोलते हैं, और ऐसा का ऐसा ये पाली में लिया गया है तो आधे रह के साथ भी इसको ब्राह्मणों भी बोलते हैं या ब्रह्मा भी बोलते हैं, ब्राह्मणों भी बोलते हैं। बेसिकली आधे रह का जो शब्द है वो पाली में है नहीं, मगर चूंकि वो लोग आधे रह के साथ बोलते थे जो भारत से बाहर के आए, जिनको समणा नहीं होते थे, समण यहाँ यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ के लोग उनको वमण बोला करते थे, वमण। और वो लोग चूंकि आधे रह का इस्तेमाल करते थे तो वो अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे, ब्राह्मण बोलते थे, और यहाँ के लोगों को शर्मण बोलते थे, क्योंकि उनको शय की आदत थी और रह लगाते थे साथ में, तो इसलिए उनकी भाषा में आधा शय और रह होता है और यहाँ के लोगों की भाषा में आधा रह नहीं होता। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, यहाँ के लोग अपने आप को समण बोलते थे उनको वमण, और उधर के लोग यहाँ के लोगों को शर्मण बोलते थे और अपने आप को ब्रह्मण या ब्राह्मण बोलते थे। तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, जितंग ए पराजितंग कैरा, यानी कोई नहीं कर सकता कैरा पराजित आपको, ना तो देव कर सकता है, ना गंधर्व कर सकता है, ना ही ब्राह्मण कर सकता है, और ना ही मार कर सकती है। तथा रूपस्य जंतुनो, तथा रूपस्य मक्का मतलब है इस रूप के लिए, यानी इस प्रकार से जंतुनो, जंतुनो माने जीव या जीवो, यानी कि जो जीव है उसको कोई नहीं पराजित कर सकता, जो अपने आप को पराजित कर लेता है अपेक्षाकृत किसी और को पराजित करने के मुकाबले, जो ये बुराइयां सारी छोड़ देता है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, ना ही तो वमण कर सकता है जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ना ही उसको मार कर सकती है जो अंदर की बुराई है, ना ही उसको गंधर्व कर सकता है, गंधर्व जो है वो कंधार के आसपास के लोग हैं उस समय के, और ना ही उसको देव कर सकते हैं। देव दो तरह के हैं, देव पाली के अंदर वो भी आता है जो पंचशील का पालन करते हैं, और देव वो भी आता है जिसको वमण अपना नायक मानते हैं। तो यहाँ जो संबंध है वो वमणों का जो नायक है
उससे देव का मतलब है श्रवण लोगों का जो देव है वो नहीं है। तो ये यहां स्पष्ट कर लें, क्योंकि इस गाथा में चार लोगों को दुश्मन बताया गया है, चार लोगों को ये बताया गया है कि ये चार लोगों से खतरा रहता है। मगर अगर आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध का मतलब है कि अगर आप शराब नहीं पिएंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप अगर व्यभिचार नहीं करेंगे, आप अगर हत्या नहीं करेंगे, आप अगर झूठ नहीं बोलेंगे, तो देव हो या वमन ब्राह्मण हो या मार हो और या गंधर्व हो, इन चारों में से कोई भी आपको कभी भी पराजित नहीं कर सकते, आपकी जीत निश्चित है। कितना स्पष्ट भगवान बुद्ध ने ये गाथा नंबर 105 में बताया है कि चार लोग ये आपकी विजय को पराजित में बदल सकते हैं, जय को पराजय में बदल सकते हैं, आपकी विजय को हार में बदल सकते हैं, मगर तभी बदल सकते हैं जब आप पांच बुराइयां यानी पांच सील को छोड़ देंगे। जब आप पांच सील का पालन नहीं करेंगे तब ये मार सकते हैं। सच्चे आदमी को, अच्छे आदमी को इनमें से कोई छू भी नहीं सकता। कथा इस प्रकार रही कि अनर्थ पूछने वाले ने भगवान बुद्ध से जब कहा, तो भगवान बुद्ध ने उसको जवाब दिया कि वो हानि और लाभ के बारे में सब जानते हैं। सूर्य उदय होने के बाद यानी सनराइज होने के बाद में सोना और या खाली बैठे रहना अनर्थ है। यानी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उस समय लाइट तो होती नहीं थी, क्या सिर्फ दीपक होता था? जो भारत के श्रवण लोग थे उन्होंने दीपक बनाया, तो दीपक की लाइट बहुत कम होती थी, इसलिए जितना भी काम करना है वो दिन में करना है। तो अगर कोई दिन को गवाएगा तो इसका मतलब वो जीवन को गवाएगा। तो सूरज की रोशनी होने के समय यानी कि सूरज निकलने के बाद में कोई आदमी अगर सो रहा है या कोई आदमी अगर बैठा हुआ है खाली, तो इसका मतलब वो अनर्थ है, नुकसान है, हानि है। लंबे समय तक अगर कोई धन धान्य को संभाल कर रखे, लंबे समय तक धान्य का मतलब है क्योंकि उस समय जो धान्य होता था, धन होता था, वो जो ग्रेन्स होते थे, धान्य बोलते हैं ग्रेन को, यानी कि दाने को, वो दाल के दाने हो सकते हैं, चावल के, गेहूं के, जौ के, किसी के भी हो सकते हैं। तो लंबे समय तक कोई अगर उनको रखता है छुपा कर या संभाल के रखता है तो वो सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, ना तो वो खाए जाएंगे फिर और ना ही वो खेत में बोने के काम आएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि लंबे समय तक अगर कोई धान्य, ये ध्यान रखना कि धन और धान्य दोनों का मतलब वहां पर ग्रेन्स हैं, चावल हैं, दाल हैं, गेहूं हैं, तो लंबे समय तक अगर कोई रखता है इसको तो वो बेकार हैं। आज के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि लंबे समय तक अगर कोई आदमी अपनी पूंजी को स्टॉक करके रखता है, अपने पैसे को जमा करके रखता है, तो वो डीवैल्यू हो जाते हैं। डीवैल्यू का मतलब है कि जैसे आपने 1,00,000 रुपया बैंक में जमा किया आज, और आज 1,00,000 रुपये का 2 तोले सोना आता है, यानी कि 20 ग्राम सोना आता है, तो जब आप 10 साल बाद 1,00,000 रुपये का सोना लेने जाएंगे तो उस समय जो सोना आएगा वो आएगा सिर्फ 5 ग्राम आएगा, तो आपका जो वैल्यू है वो खत्म होगी सारी, उसकी बहुत कम रह जाएगी। इसलिए पैसे का रोटेशन होता रहना चाहिए, जो संपत्ति उसका रोटेशन होता रहना चाहिए, अगर उसमें हवा लगती रहे, रोटेशन होता रहे, तो वो बढ़ते रहते हैं, अच्छे रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि रात में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये अनर्थ होता है, क्योंकि रात में यात्रा करने के बहुत सारे दोष बताए, हानि बताए उन्होंने। रात में यात्रा करने से नींद आती है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोर उचक्के मिल सकते हैं, सेहत खराब हो सकती है, रास्ता भटक सकते हैं, कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं, कोई भी घटना रात में हो सकती है, क्योंकि रात में काली शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं। दूसरी औरत की अगर अभिलाषा रखेंगे आप अपने मन में तो वो अनर्थ है, क्योंकि आपकी अपनी पत्नी है और दूसरी औरत के साथ अगर अनर्थ रखेंगे तो आपका मन उसमें उलझा रहेगा और आप पूरे मन से काम नहीं कर पाएंगे, ना खेत में, ना दुकान में, ना घर में, और आपका मन हमेशा विचलित रहेगा, आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आपकी इज्जत भी जाएगी, आपका सामाजिक वैल्यू भी खत्म होगी, आपका परिवार की वैल्यू भी खत्म होगी। तो इसलिए अनर्थ होता है कि दूसरी औरत की अभिलाषा रखना। ठीक इसके अगर दूसरे मर्द की अभिलाषा रखेंगे तो वो भी अनर्थ होगा, यानी कि दोनों ही तरफ से है, कोई मर्द की अभिलाषा रखे या कोई स्त्री की अभिलाषा रखे तो वो अनर्थ में आता है। इस प्रकार वो अनर्थ बता के फिर पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, पूछने वाले तुम क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं तो जुआ खेलता हूँ, दूत खेलता हूँ, दूत बोलते हैं उसको। तो वो पूछते हैं क्या जब आप दूत खेलते हो तो क्या हमेशा जीतते हो आप, कि नहीं कभी मैं जीतता हूँ और कभी मैं हारता हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं फिर ऐसा खेलो कि आप हमेशा जीतो। तो वो पूछता है कि ऐसा कौन सा खेल है जिससे हमेशा जीतें। तब भगवान बुद्ध उसको ये गाथा नंबर 104 105 उसको बताते हैं कि अपने आप को जीतना और अपने आप को शुद्ध करना ऐसा जीत है जिसको कोई नहीं हरा सकता, ना ही देव हरा सकते हैं,
ना ही ब्राह्मण हरा सकते हैं, वामन हरा सकते हैं, वमन हरा सकते हैं, ना ही मार यानी मच्छू और मृत्यु हरा सकती है, और ना ही गंधर्व हरा सकते हैं। ये आपकी जो जीत है ये हमेशा अजय रहेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए आप ये पांच बुराई छोड़ दीजिए जो पांच बुराई जीवन में आपको हराती हैं। ऐसा करके वो इस गाथा को बताते हैं और मैंने इसकी गाथा आपको बताई है। यहाँ अगर आप एक ध्यान दें तो वो दूत खेलता है, जुआ खेलता है। जुआ खेलने की जो सबसे एक कमाल की बात है वो ये है कि जुआ खेलने वाला जीवन में कभी नहीं जीतता, जुआ खिलाने वाला हमेशा जीतता है। यानी कि अगर एक जुआ घर है और जुआ घर में वो जुआरी उनको जुआ खिलाता है तो वो अपनी जगह देता है, उनको सुविधाएं देता है। इसको आज के समय में आप कैसीनो समझ सकते हैं। तो लोग अपना पैसा लेके आते हैं, जैसे कोई आदमी 1000 रुपये लेके आया और वो जुआ खेलने गया, तो जब वो 1000 रुपये का जुआ खेलता है तो दो बातें होंगी, या तो वो 1000 रुपये के ज्यादा जीत के, सपोज उसने माना 2000 रुपये जिसने बना दिए, 1000 और जीत लिए, या वो 1000 रुपये के 1000 रुपये हार गया। तो जब वो 1000 रुपये जीता या 1000 रुपये हारा तो दूसरे जो जीतने वाला है उसके पास पैसा गया, यानी किसके पास गया हारने पे, जो खिला रहा है उसके पास में, और जो जीत रहा है वो फिर दोबारा खेलने के लिए आता है। तो अगली बार वो 2000 में से या तो 500 हार सकता है या 1000 हार सकता है। यानी 1000 रुपये लेके आने वाला जब भी जाएगा जीतेगा हारेगा, मगर जो खिला रहा है उसकी एक निश्चित रकम बीच बीच में उसे मिलती रहती है। जैसे वो हर बार खिलाने का 10 रुपया काटता है, तो 10 रुपये अगर वो लगातार काटता रहेगा तो उसका 100 बार में 1000 रुपये आ जाएंगे, या जो गेम खिलाता है उसके चांस ज्यादा होते हैं। ये निश्चित है कि खिलाने वाला ही जीतता है, खेलने वाला जुए में आज तक दुनिया में कभी नहीं जीता, जीतेगा भी नहीं। सरकारी जुआ भी होता है जहां लॉटरी लगती है। लॉटरी में क्या होता है, आपने 1 रुपये की टिकट खरीदी जिसमें आपको 10 रुपये मिलने हैं अगर नंबर आ गया तो वो क्या कहता है कि आपको 10 में से 9 रुपये मिलेंगे। यानी आपने 10 रुपये लगाए सारे नंबर पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 1 रुपये सब पे लगा दिया, 1 नंबर तो आना ही है। जो नंबर आ गया तो आपको उसके 9 मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे। आपने लगाए 10 थे, मिले 9, 1 रुपये लॉटरी का टिकट खेलने वाले ने काट लिया। और 10 बार अगर आप जुआ खेलेंगे तो हर बार 1 रुपये काटेगा, 10 का नोट उसका हो जाएगा। ऐसे ही सारी दुनिया का पैसा सिर्फ उनके पास चला जाता है जो जुआ खिलाते हैं। एक सरकारी जुआ और भी होता है जिसको बोलते हैं सेंसस, यानी कि जो आपने देखा होगा सेंसस आता है कि आज उस दुनिया के सेंसस में इतना चढ़ गया पॉइंट, इतने पॉइंट आ गया। उसमें माल की खरीद फरोख्त होती है। कैसे खरीद फरोख्त होती है, जैसे आपने कोई कंपनी बनाई और कंपनी में आपने अपने आप को सेंसस में, या जो जहां आपका शेयर मार्केट है उसके अंदर आपने उसको रजिस्टर करा दिया। अब शेयर बिकता है, यानी जो शेयर माने हिस्सा है वो बिकता है। कंपनी में से कोई हिस्सा आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक हवा में वैल्यू चलती है कि मेरे पास इस कंपनी के 100 हिस्से हैं और एक हिस्से की वैल्यू 100 है, बताओ तुम्हें कितने चाहिए। तो वो कहता है कि मैं कंपनी के 10 हिस्से लेना चाहता हूं, तो 10 की कीमत पहले अगर 100 है तो वो 110 रुपये में खरीद लेगा, तो बेचने वाले को 10 रुपये फायदा हो गया। कंपनी ऐसी की ऐसी रहती है, कंपनी के शेयर खुद बढ़ते रहते हैं, वो कभी भी डाउन हो सकते हैं, कभी भी बढ़ सकते हैं, हवा में चलता है। उसमें लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं, लाखों लोग फ्री में पैसा कमा लेते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं करता, सिर्फ पैसे डालते हैं, कोई कंपनी में जाके काम नहीं करता। कंपनी में लेबर मजदूर काम करते रहते हैं, उन्हें तो तनख्वाह मिलती है, मगर जो शेयर मार्केट में शेयर पे खेलते रहते हैं वो हवा में ही करोड़ों रुपए बना लेते हैं और करोड़ों रुपए उनके नुकसान हो जाते हैं। जैसे कोरोना के समय में सारी दुनिया के शेयर मार्केट डाउन हो गए तो वो पैसा हवा की हवा में ही खत्म हो गया जैसा पड़ा था। तो जुए से हमें से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि जुआ कभी भी सगा नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता। जुआ उसका सगा रहेगा जो जुए को खिलाता है, जो जुए के जुए घर का मालिक है उसका सगा रहेगा, क्योंकि पैसा कट कट के सारा उसको मिलता रहता है। और ये ध्यान देना कि जुआ खिलाने वाला कभी जुआ नहीं खेलता, वो कभी दाव नहीं लगाता, अगर वो लगाएगा भी तो आपको उकसाने के लिए, दिखाने के लिए लगाएगा। जुआ घर वाला एक साल में 4 जुए घर बना लेता है, और जुआ खेलने वाले के 4 घर के साल में 1 घर रह जाता है। फिर उसकी स्थिति भीख मांगने की आती है, फिर वो अपना घर मकान बेचता है। अगर आप पुरानी किसी काल्पनिक कथा में जाएंगे तो वहां तो लोगों ने अपने परिवार को भी जुए के दाव पर लगा दिया है। यहाँ भी घटनाएं घटती हैं उससे प्रेरणा लेके, कि लोग अपने परिवार में, जो परिवार के लोग हैं उनको जुए में बेच आते हैं, अपना घर मकान, फिर अपने आप को भी बेच आते हैं, और फिर चोरी चकारी शुरू करते हैं, फिर शराब करते हैं। एक जुआ
सारे जितने भी पाप कर्म है उनको करा देता है। इसलिए अगर आप जुआ खेलते हैं या जुआ खेलने की सोच भी रहे हैं तो जुआ कभी जिंदगी में मत खेलना, क्योंकि जुआ खेलने वाले का कभी नहीं होता। ये मैथमेटिकल मैथ का सिद्धांत है, 10 में से आपको 9 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, यानी 10 में से 10 कभी नहीं मिलते, हर बार एक कटेगा, तो 10 बार में आपका 10 रुपया चला जाएगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.